हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल नॉलेज पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने एक नया फैक्ट लेकर आए हैं। भारत सरकार भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक खास टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, जिसको D2M नाम दिया गया है, जिसकी मदद से मोबाइल यूजर बिना इंटरनेट की मदद से मीडिया कंटेंट और ब्रॉडकास्ट आदि को देख पाएंगे, वह भी बिना किसी नेटवर्क इश्यू के, जिसमें बफरिंग नहीं होगी। हाँ, आपने सही सुना। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इंटरनेट केबल या DTH के ही आपका मोबाइल फोन में सीधे यूज न्यूज क्रिकेट आदि के वीडियो प्रसारण किए जाएंगे, सुविधा मिल जाएगी। साथ ही बिना इंटरनेट सीधे आपके फोन में पर फिल्म लेकर हॉटस्टार, सोनी लाइव, जी लाइव, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT ओवर द टॉप कंटेंट समेत अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट प्रसारित किए जा सकेंगे। D2M की फुल फॉर्म डायरेक्ट टू मोबाइल है। तो चलिए D2M टेक्नोलॉजी को विस्तार से समझते हैं। D2M टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको D2H टेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग को समझना जरूरी होगा, फिर आप आसानी से डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। तो इसके बारे में समझने से पहले हमारे चैनल पर इसका वीडियो पार्ट 1 D2H समझना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हाउ टू वर्क D2M। डायरेक्ट टू मोबाइल एक ऐसी तकनीक है जिसमें सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। D2M प्रोसेस में सैटेलाइट की मदद से हर एक मोबाइल तक वीडियो, मूवी, न्यूज आदि का प्रसारण किया जाएगा। D2M टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंडर होगा जो प्रसारण को अपलिंक करेगा, दूसरी एक ठीक D2H की तरह रिसीवर होगा जो प्रसारण को डाउनलिंक करेगा, मतलब कि सैटेलाइट से सीधा प्रसारण लेकर आपको मोबाइल तक सिग्नल पहुंचाएगा जाएगा और आपके मोबाइल में यह वीडियो प्रसारण दिखेगा। यह रिसीवर शुरुआत में आपको अपने घर की छत पर स्थापित करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद यह आपके स्मार्टफोन में ही इनबिल्ट आएगा, जैसे कि आपके मोबाइल में FM रेडियो टेक्नोलॉजी आती है। यह कुछ उसी तरह है होगा जैसे लोग अपने फोन में FM रेडियो सुनते हैं, जिसमें फोन के अंदर मौजूदा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदलाव कर देता है, जिससे लोग एक ही फोन पर कई FM चैनल सुन सकते हैं। जैसे इसी तरह D2M के जरिए मल्टीमीडिया कंटेंट को भी अपने फोन में सीधे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। दरअसल ये टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर बनाई गई है। प्रसार भारती ने इसके लिए IIT कानपुर से साझेदारी की है और DOT के सेक्रेटरी के राजारमन का कहना है कि बैंड से 589 सरकार उठा रही है D2M टेक्नोलॉजी के लिए कौन से कदम, इस पे बात करते हैं। DOT के सीधे यूजर्स के स्मार्टफोन में ब्रॉडकास्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराने वाले स्पेक्ट्रम बैंड की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। DOT और प्रसार भारती ने इसके लिए IIT कानपुर से साझेदारी की है और DOT के सेक्रेटरी के राजारामन का कहना है कि सरकार उठा रही है D2M टेक्नोलॉजी के लिए कौन से कदम, इस पे बात करते हैं। DOT के सीधे यूजर्स के स्मार्टफोन में ब्रॉडकास्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले स्पेक्ट्रम बैंड की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो कि DOT और प्रसार भारती के ने इसके लिए IIT कानपुर से साझेदारी की है। DOT के सेक्रेटरी के राजारामन का कहना है बैंड 526 से 582 मेगाहर्ट्ज मोबाइल और ब्रॉडकास्ट दोनों सर्विसों के लिए काम कर सकता है। DOT ने इस बैंड की स्टडी के लिए एक कमेटी गठित की गई है। अभी इस बैंड का इस्तेमाल केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से देश भर में TV ट्रांसमीटर्स के लिए हो रहा है। अब इसके जो D2M है, इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। तो आइए, इस तकनीक का सबसे ज़्यादा लाभ उपभोक्ताओं को होगा। वे इसका प्रयोग कर वीडियो ऑन डिमांड और OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल इंटरनेट डेटा भी खर्च भी नहीं करना होगा। खास बात यह है कि सीधे फोन में प्रसारित होने वाले वीडियो और मल्टीमीडिया कंटेंट बिना बफरिंग के अच्छी क्वालिटी में प्रसारित होंगे, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट डेटा ही नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ इंटरनेट की पहुँच नहीं है या लिमिटेड पहुँच है, वहाँ तकनीकी मल्टीमीडिया कंटेंट प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की बहुत सहायता करेगा। इसके अलावा इससे फेक न्यूज रोकने, इमरजेंसी अलर्ट आदि जारी करने और आपदा प्रबंध में सहायता करने में भी मदद मिलेगी। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि D2M क्या है
आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैंने आपको D2M कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है उसके बारे में बताया। यदि आपको यह पोस्ट पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।